वायर में वायर की तरह चमक रही हो ये और उड़ गई इस वक्त मौजूद है हम मनासा में और एक पार्थ कॉलोनी के अंदर एक सांप ने जगह बनाई है। तो मेरे से पूर्व हमारे अंकल जी जो है रेस्क्यू करने के लिए आए थे, तो ये अपना परिचय देंगे। तो किस तरीके से इन्होंने मशक्कत की है मेरे से पूर्व, तो सर आपका परिचय दीजिए। आपको मेरा नाम कृष्णम मली, हमारे जी सर नहीं हाँ बिल्कुल सही है, तंत्र मंत्र कुछ रहता नहीं है। और साथ ही मैं आपको एक जानकारी प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ कि तंत्र मंत्र और झाड़फूंक ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं रहती है, और लोग जो है कहीं ना कहीं जैसे ही रेस्क्यू करने के लिए पहुंचते हैं तो उनके दिलों में काफ़ी समय तक यही भावनाएं रहती है कि यार कुछ ना कुछ होगा इनके पास। और कहीं ना कहीं लोग ऐसे बोलते हैं कि दवाइयां खाते हैं, तो ये बिल्कुल ही झूठी बातें हैं, क्योंकि दवाइयां खाना और ऐसी चीज़ें करना बहुत ही नुकसानदायक है साथी, और ये केवल अफवाहें रखते हैं। ये किसके यहाँ पर आया था हम सबसे पहले ये परिचय करवाएंगे। तो सर आपने देखा था, तो साथी इस सांप को कब देखा, किसने देखा कि ये सांप कब आया था, तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीत उपाध्याय है। अच्छा, और ये सांप कब देखा गया था? करीब 6:30 बजे। 6:30 बजे तो स्कूटी चलाते वक्त तो देखा या फिर घर के अंदर पड़ी थी? बाहर यहाँ पे घूम रहा था जी जी, यहाँ पे सर चलते स्कूटी के अंदर घुस गया। अगर मान लो कि अगर आपको पता नहीं होता तो ऐसे में बिल्कुल ही नुकसान हो सकता था। और साथियों कहीं ना कहीं ये एक संकेत है हमारे लिए, क्योंकि स्कूटी के अंदर जैसे पहुंचा अगर गाड़ी चलाते वक्त हादसा हो सकता था तो ऐसे में बहुत ही नुकसान हो सकता था। खुली तो बनी नीचे और मेवाड़ की खुली अरे पेन निकालो है। ये पेन खोल लो बस। लो अभी गाड़ी में बगे बंदा के पीछे खोल लाजिए। ठीक है नहीं अब बंद होने। वाह छोड़ दे। ये बेटी ये बेटी और भी अंदर जा रही है। लेकिन वायर में वायर की तरह चमक रही हो। नीचे की तरफ बकरी वापस चाय की खुशबू आ रही है।
वो नीचे आ गए नीचे पापा नीचे आ गए येरे येरे ऊपर ऊपर पापा तो ऊपर आ गए ऊपर आ गए अरे ऊपर नहीं आ गा नहीं आ रही है नहीं नहीं भाई भी बजा गया यार ये रही प्रकाश ये रही ये रही ये ऊपर 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 ये रहा ये अंदर घुस रही है ये निकल गए ना पापा बना रहे हैं अरे एक तो वीडियो बना रहे हैं पकड़ गई पकड़ ले छोटी है वो ना प्रकाश गुस्से ले भी उसके बराबर ही है उस डिब्बे में उसकी बड़ी है हां उतनी बड़ी है वो डिब्बा खोल लो ना वो ना डिब्बा लो पूरा वो पग मत दबा पग मत अरे ये भाई अपना मत दबा मत दबा वो ढक्कन अंदर से जाए ये ढक्कन के लाओ छेद करवा दी चलो ये देख सकते हैं आप लोग ये है एक भारतीय नाग इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और इसे जो है कहीं ना कहीं नाग या नागिन के नाम से जाना जाता है यहाँ पर जैसे ही पहुंचे तो इस स्कूटी के अंदर लगभग हमें 2 से 2.5 घंटे का समय लगा इसे निकालने के लिए। साथियों मनासा तहसील के अंतर्गत एक पार्थ कॉलोनी है और उसी में इस नागिन ने दस्तक दी थी और काफ़ी समय से इनको परेशान कर रखा था और गनीमत यह रही कि स्कूटी अगर कोई चलाता तो हादसा हो भी सकता था और ऐसे में नुकसान भी हो सकता था। तो साथियों वीडियो देखकर आप जीवन में ऐसे सांपों को पकड़ने का बिल्कुल भी प्रयास न कीजिएगा नहीं तो आपके प्राण जो है बड़ी आसानी से चले जाएंगे। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद ताकि हमने एक जीव को बड़ी आसानी से बचाया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो साथियों स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार पुनः एक और ये मेरे हाथों में मौजूद है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी कि दोनों ही बेबी स्नैक हैं और कोबरा की श्रेणी में आते हैं और दोनों ही बहुत ही खतरनाक है काफ़ी जहरीले हैं और दोनों में ही न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है और दोनों ही काफ़ी फुर्तीले हैं और लगातार एक बार में भी ये 2 से 3 बार बाइट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इनको रिलीज़ करने वाला हूँ और यह था बिल्कुल गांव कीरपुरिया का रेस्क्यू था। और साथियों इस रेस्क्यू के लिए हमने जो है आज से 4 दिन पहले मैं एक बार वो रेस्क्यू करने के लिए गया था लेकिन मैंने 3 घंटे तक प्रयास किया था और चादर वगैरह उठाए थे और पूरा घर छानबीन मारा था लेकिन इस सांप का पता बिल्कुल भी नहीं लगा था। और आज जो है ये बिल्कुल उन्हीं के घर के समीप एक दरवाज़ा था तो वहीं पर एक टहलता हुआ देखा तो तुरंत उन्होंने मुझे सूचित किया ये देखिए। और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो वाकई में देखा कि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है और इसे मैं रिलीज़ करने वाला हूँ। और इसकी तो एक कहानी आपने देखी होगी वीडियो में और यह जो है बेबी कोबरा है और यह जो है बिल्कुल स्कूटी के अंदर चला गया था और गनीमत यह रही कि उन भाई साहब ने इसको देख लिया था कि वाकई में जाते वक्त इसलिए हादसा बच गया वो होने से और नहीं तो ऐसे में बहुत ही खतरनाक हादसा हो सकता था साथियों और कहीं ना कहीं उन्हें बाइट कर सकता था और या फिर चलते बाइक चलते समय कुछ भी हो सकता था। दोनों ही काफ़ी गुस्से में हैं तो साथियों दोनों ही काफ़ी गुस्से में हैं दोनों ही काफ़ी क्रोधित है और दोनों के ही पीछे स्पेक्टिकल कोबरा स्पेक्टिकल यानी चश्मे जैसी आकृति बनी हुई है और साथियों बहुत ही खतरनाक है। दिखने में तो काफ़ी छोटे हैं चमकीले हैं अट्रैक्टिव है लेकिन ये जब बाइट करता है ना तो इंसान के प्राण जो है बड़ी आसानी से ले सकता है क्योंकि इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम होता है और वह वेनम सीधा इंसान के शरीर में पहुंचता है और इंसान के ब्रेन को डैमेज करता है। नींद आना चक्कर आना और सांसें रुकना हृदय गति रुकना या फिर जिस स्थान पर बाइट किया वहाँ सूजन आना ऐसी परिस्थिति में आपको जो है ये लक्षण जो है प्रॉपर तरीके से दिखाई देते हैं तो आपको समझना है कि वाकई में यह इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के लक्षण हैं और ऐसे में आपको तुरंत पहुंचना है जिला चिकित्सालय और अपना जो है सही प्रॉपर तरीके से इलाज करवाना है। रिलीज करता हूं और वीडियो देखकर जीवन में ऐसे सांपों को पकड़ने का बिल्कुल भी प्रयास न कीजिएगा नहीं तो आपके प्राण जो है बड़ी ही आसानी से चले जाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले कीरपुरिया गाँव के जो हमारे मेहमान हैं देख सकते हैं आप लोग और इन मेहमान ये मेहमान जो है कम से कम
चार से पाँच दिन तक वहीं पर थे, तो इनको आज हम फाइनली रेस्क्यू करके लाए और इन्हें हम आज चलिए साथियों, अब कीरपुरिया का जो सांप हमने रेस्क्यू किया था इसे रिलीज करते हैं। देखिए आप लोग, था एक स्कूटी के अंदर फंसा था पार्थ कॉलोनी मनासा में, चलिए इसे मैं बाहर निकलता हूँ और इसे भी हम रिलीज करते हैं। इतना खतरनाक है, एट्रैक्टिव और चमकीला है। साथियों छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक है, चलिए मैं इसे भी बाहर निकालता हूँ। कितना प्रयास कर रहा है। चलिए साथियों इसे भी अब रिलीज करते हैं और वीडियो देखकर जीवन में ऐसे सांपों को पकड़ने का बिल्कुल भी प्रयास न कीजिएगा, नहीं तो आपके प्राण जो है बड़ी आसानी से चले जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों आज हमने जो है दोनों ही सांपों को एक साथ रिलीज किया है और आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से जीवों को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहिए।